हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। हम इस त्रिकोणमिति में माउंट एवरेस्ट या फिर कुतुब मीनार हो गया तो उसकी ऊंचाई को हम कैसे मेजर करते हैं, या कोई नदी है उसकी चौड़ाई को हम कैसे मापते हैं, तो हम त्रिकोणमिति की सहायता से इसको आसानी से नाप सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये त्रिकोणमिति बना कैसे। ये तीन शब्दों से मिलकर बना होता है त्रिकोण मिति, इसका मतलब होता है तीन कोणों का माप। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति होता है, या अंग्रेजी शब्द बोले तो ये ट्राइगोनोमेट्री से मिलकर बना होता है ट्राइगोनोमेट्री, जिसका मतलब ट्राई मतलब तीन होता है, गॉन मतलब साइड्स और मेट्री मतलब माप होता है, तीन साइड्स का माप। अब तीन कोणों या तीन साइड्स का माप किस में होता है, तो ट्राइंगल में होता है। हम इस वीडियो में एक स्पेशल टाइप के ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में एक स्पेशल टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में। तो हमारा वो ट्रायंगल होता है समकोण, समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक भुजा 90 अंश का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखते हैं इसमें हम ये तीन साइड से होता है, देखिए इसके तीन एंगल हैं, ए और ये बी हो गया और ये सी हो गया, तीन एंगल और तीन साइड ये हैं, ये तीनों साइड। अब इसमें देखिए ये जो नीचे वाला साइड होता है, अगर हम ए के सापेक्ष नाप रहे हैं तो इसको बोलते हैं आधार। इस एंगल के सामने जो कोण होता है, जो साइड होता है, उसको हम बोलते हैं लंब। और ये जो बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला साइड होता है, उसको बोला जाता है कर्ण। और जो नीचे वाला होता है ये होता है आधार। तो एसी जो होता है उसको हम बोलते हैं आधार। जो ये इस एंगल ए के सामने वाला कोण लंब होता है और सबसे बड़ा वाला साइड होता है कर्ण। अगर हम बी के सापेक्ष इसको नापे तो हमारा ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा बी एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर पहुँच जाएगा और सी यहीं रहेगा। तो अब इस सापेक्ष हमारा जो लंब होगा ये होगा लंब, बी के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा, मतलब ये वाला कोण अगर हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं तो इसके सापेक्ष ये वाला लंब हो जाएगा। इसके जस्ट सामने वाला एंगल को हम लंब बोलते हैं और सबसे बड़े वाले साइड जो ये है इसको कर्ण बोला जाता है, और जो नीचे बचा वो लंब हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस एंगल के सामने ये साइड है तो इसको हम लंब बोलेंगे, और जो नीचे वाला साइड है इसको हम बोलते हैं आधार, और ये हो गया मेरा कर्ण। तो आइए अब हम इसमें पढ़ेंगे त्रिकोण, ये जो एंगल और इस साइड के बीच में रेशियो का संबंध क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति रेशियो या अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये रेशियो कैसा होता है, देखिए कभी हमारा ये लंब और लंब आधार का रेशियो हो जाएगा, या कभी आधार कर्ण का रेशियो हो जाएगा, या कर्ण लंब का रेशियो हो जाएगा। जैसे देखिए ये मेरा है कर्ण और ये लंब हो गया और ये आधार, इन तीनों के बीच में आपस में कोई ना कोई संबंध होता है, उस संबंध को हमें स्पेशल नाम देते हैं। जैसे देखिए अगर हमारा यह संबंध लंब और कर्ण का है, इसमें लंब ऊपर हो गया, कर्ण नीचे हो गया, इस हम रेशियो को बोलते हैं साइन। साइन इसके सापेक्ष हम नाप रहे हैं तो इसको बोलते हैं साइन ए। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। ऐसे ही हमारा एक और रेशियो होता है कॉस, ये होता है आधार बटे कर्ण, और एक अगला होता है टैन, इसका होता है लंब बटे आधार। ये तीन हमारे मेन रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। इसके अलावा तीन और होते हैं जो इसका जो उल्टा होता है, जिसको बोलते हैं कोसेक, ये होता है कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा होता है सेक, जो होता है कर्ण बटे
आधार, ये होता है कॉट आधार बटे लंब। अब ये जो हमारा ये फार्मूला है इसको याद करने का एक ट्रिक है, आइए हम इसको देखते हैं। ट्रिक हमारा है लाल बटे पक्का। लाल ये एल फॉर लंब होता है, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ये हो गया साइन, आधार बटे कर्ण ये हो गया कॉस, और लंब बटे आधार ये हो गया टैन। फिर से देखिए, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, फिर लंब, तो लंब बटे कर्ण इसको बोलते हैं साइन। यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण ये साइन हो गया, आधार बटे कर्ण जो होता है वो होता है कॉस, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, और लंब बटे आधार ये हो गया टैन। अब इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, मतलब इसको उल्टा कर देते हैं, जस्ट ये हो गया मेरा, इसको उल्टा कर दिया और ये पलट दिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बना मेरा आधार बटे लंब काट हो गया, कर्ण बटे आधार सेक हो गया, और कर्ण बटे लंब ये हो गया कोसेक। अगर इस तरह से नहीं याद है तो केवल ये तीन आप याद कीजिए और इसी का उल्टा करते जाइए। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला याद हो गया, ये वाला लाइन अगर आपको याद हो गया है इसी का जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है काट। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं जिसके सहायता से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति में एक बहुत ही स्पेशल नाम है पाइथागोरस, उनके बिना त्रिकोणमिति अधूरा है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है एक समकोण त्रिभुज में अगर कोई एक साइड मिसिंग है, जैसे हमें यहाँ पर लंब दे दिया और कर्ण दे दिया, तो आधार कैसे निकालें, कोई दो साइड दिया है और एक साइड हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए ये फार्मूला होता है इनका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब अगर इन दोनों साइड्स का स्क्वायर आप जोड़ते हैं तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है उसमें हमें कोई साइड अगर मिसिंग है तो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। आइए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन हमारा है, अगर दिया है टेन ए बराबर फोर बाई फाइव, देन वी हैव टू फाइंड साइन, साइन ए क्या होगा हमें इसको फाइंड करना है। तो देखिए टेन का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम आते हैं, देखिए हमारा जो ट्रिक है लाल बट्टे कक्का का, वहाँ से देखिए टेन का फार्मूला ये तीसरा होता है वो टेन होता है, तो लंब बट्टे आधार। तो ये देखिए जो हमारा ये वाला है ये होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब का वैल्यू है फोर, आधार का वैल्यू है फाइव। तो यहाँ पर अगर हम त्रिकोणमिति अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया है तो सबसे पहले आप करेंगे एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो मेरा है ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो लंब का वैल्यू ये हो गया मेरा, इसको लिख लेते हैं ये ए हो गया। देखिए यहाँ पर ए के सापेक्ष बात कर रहा है तो ए को हम यहाँ पर रखते हैं, और ये बी हो गया, और ये सी, ए के जस्ट सामने वाला लंब होता है तो लंब की वैल्यू फोर दिया है, आधार की वैल्यू फाइव दिया है, हमें यहाँ पर ये साइड मिसिंग है। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से हम इस साइड को निकालेंगे। तो ये जो साइड मेरा है ये वाला साइड, इसको हम बोलते हैं एसी, एसी साइड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एबी के साइड के स्क्वायर के बराबर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब एबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाँच पच्चे पच्चीस हो जाएगा ये, प्लस इसका स्क्वायर मतलब सोलह हो जाएगा, अब सोलह और पच्चीस आप करेंगे तो हो जाएगा 41। तो एसी का वैल्यू अगर हम देखें तो अंडर रूट 41 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, अंडर रूट 41। तो हमसे पूछा क्या गया था साइन के बारे में,
अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह से देता है, एक रेशियो दे दिया, बाकी रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे और इसका फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो ये इस तरह से फार्मूला आएगा, तो कोई दो आपको दिया रहेगा इस तरह से, तो आप यहाँ से इस थ्योरम की सहायता से अगला निकाल लेंगे। अगला साइड निकालने के बाद जो पूछा है आप सभी निकाल सकते हैं आसानी से। तो ट्रायंगल में सबसे पहले प्रयास करेंगे कि तीनों साइड हमें ज्ञात हों। अब यहाँ पर देखिए आसानी से हम साइन के बारे में निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर होता है ये लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 है, कर्ण की वैल्यू अभी हम निकाले हैं √41। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो गया। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।